Assalamualaikum everyone, welcome back to my channel. उम्मीद है आप लोग सब अच्छे से रहेंगे। सबसे पहले तो आप लोग को एक गुड न्यूज दे देता हूँ, माशाल्लाह जैद और बहर को हुआ है लड़का, सो मुंजरीन बन गई है फुप्पी और मैं बन गया हूँ फुप्पा। मतलब अब ऐसा लग रहा है कि हाँ बड़े हो गए, कि फुप्पा फुप्पी बन रहे हैं। चलो एक तो एक वक्त रहता है हर चीज़ का, बचपन जवानी फिर एक उम्र आ जाती है, तो बहुत खुशी हुई। अल्लाह बस हर बच्चे को माँ बाप का एकदम फरमा बरदार बनाए। ये चीज़ से एक वाकया याद आया है कि आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोले है कि जब भी आप उठते हो और एक औलाद अपने जैसे सुबह उठे माँ बाप के कमरे में से सिर्फ जाके झाँकेगी भी ना, उनको प्यार से एक टाइम देख लेगी ना, सलाम ना दुआ ना हाल पूछना कुछ नहीं, ऐसे जाके देखे और बस निकल गए, तो जन्नत में उसके लिए दो दरवाजे खुल जाते हैं। कितनी बड़ी बात है, क्योंकि माँ बाप इनविजिबल गॉड है। अगर माँ बाप राजी है तो अल्लाह राजी है, और माँ बाप राजी नहीं तो अल्लाह भी राजी नहीं होगा। तो ये चीज़ ध्यान में रखिए आप। तो मुंजरीन तो अभी वहाँ गई है, हम लोग मिल के आ गए, आज थर्ड डे है। कुछ व्लॉग नहीं बना पाया, थोड़ा बहुत गड़बड़ी में था। तो मुंजरीन भी मिलने गई है मम्मी को एक शादी में। हाँ मम्मी और मैं कल मिल के आ गए, डैडी तो कहीं बाहर गए हैं। मम्मी और मैं कल मिल के आ गए, मून भी वहीं थी, और मम्मी को आज शादी में जाने गए, तो उनको शादी में ड्रॉप करने जाना पड़ेगा। फिर देखते हैं क्या प्लान है, मैं भी शायद अभी मिलने जाऊंगा, आप लोग को बताता हूँ। तो आज हमने की है कवर की थोड़ी शॉपिंग। मून का ग्रीन फोन है तो ग्रीन कवर ले लिया, मम्मी का ब्लैक है तो ये थोड़ा कॉन्ट्रास्ट अच्छा है, और मेरे लिए मैंने ये कवर लिया। वो एक सेकेंड, या अल्लाह ये थोड़ा न्यू आया था, मतलब ये ले लेते हैं अभी। बस मम्मी रेडी हो रहे अंदर, देखते कहाँ है, कहाँ है मेरी प्यारी माँ। माँ फैन बंद करना पड़ेगा वरना आवाज़ आपकी नहीं आएगी। वालेकुम अस्सलाम। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फे दिख नहीं रही वरना उसका रंग सुनहरा बोल देता था मैं। क्या देखो, और बाप रे प्लांट, अच्छा लाइट भी है। ओहो माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा लग रहा है, अच्छी लग रही है, अच्छा लग रहा है, मस्त है मस्त है। मम्मी क्रिएटिविटी कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सही है, अच्छे लग रहे हैं, डिसेंट क्लासी। और यही बस, ज्यादा सजना संवरना भी मुझे नहीं अच्छा लगता, मतलब ऐसी सिंपलिसिटी थोड़ी प्यारी लगती है। चलो शादी में जा रहे हैं, शादी किसकी हो बता दीजिए आप जा रहे हो आप ही बता दो। बुशरा है तो मैं क्या बोलूं, इमरान के मामू के लड़के की शादी। ओके सो ये मतलब शॉर्ट में बताते हैं, बुशरा के तरफ शादी है उसके ससुराल में, बुशरा के मामा के लड़के, मामा के लड़के, इमरान का मामा तो बुशरा के भी मामा मामी ना, राइट। तो ये मलाड मड में है और हमें वहाँ पे कुछ काम है, तो हम मम्मी को ड्रॉप करने जा रहे हैं। चलो 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 लेट्स गो, चलते हैं निकलते हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला हूँ ये मड में मलाड में, तो यहाँ पे मड का रास्ता कुछ ऐसा ही है, आजू बाजू पूरी खाड़ी और जंगल और बीच में से एक रोड गया है, लेकिन बहुत खूबसूरत है। यहाँ पे जो विला में शादी है वो तो हम लोग रास्ता थोड़ा भटक गए हैं, एक दूसरे विला में आ गए। यहाँ पे शूटिंग चल रही है कोई, तो शादी की शूटिंग चल रही है, तो अभी लाइव लोकेशन मंगाए हैं, देखते हैं। मिल गया एड्रेस फाइनली, यहाँ पे शादी है, सब पटाखे वटाखे फूटे हैं और अच्छी प्यारी लाइटिंग भी है, और बैठे बैठे थक गए। मम्मी बोलने वाले थे एक मिनट रुक जा, मम्मी एक काम करना पड़ेगा आपको, मेरे लिए थोड़े से क्लिप्स ले लेना, ठीक है, अच्छा, अंदर से शादी के थोड़ा स्टेज का दुल्हा दुल्हन का और ऐसा थोड़ा बहुत ले लेना, ठीक है, और ध्यान रखो मैं अपना यहाँ काम कर लेता हूँ, फिर तुम आओ, तुमको बाहर तक ड्रॉप करो क्योंकि सन्नाटे वाला रास्ता है थोड़ा। दूल्हा दुल्हन नहीं नहीं दूल्हा दुल्हन तो गए, बुशरा इमरान भाई आ रहे हैं, हाँ हाँ बोला आ रहे लोग बाहर, बुशरा आई है मम्मी को बाहर लेने, अभी अच्छे लग रहे हैं माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, एंजॉय कर रहे हैं शादी अच्छे से? हाँ कितने पता है, ए मेरी बेटी चलो तुम लोग जाओ, मम्मी मैं अपना काम करो, फोन करो आऊंगा, लाफी। अभी जो मेरा काम पेंडिंग था वो अभी मैं कर लेता हूँ, और बहुत भूख भी लग रही है मुझे, मम्मी भी नहीं है मून भी नहीं है, तो बाहर ही कुछ खाने का इंतजाम करना पड़ेगा, पहले काम कर लेते हैं फिर कुछ खाते हैं। अभी काम हो गया और मैं बोला कुछ खा लेते हैं, तो यहाँ पे दूर से स्टॉल्स दिख रहे थे,
पानी पूरी ये सब भुर्जी उर्जी मच्छी वच्छी। अभी ये स्टॉल से मैं खा रहा हूँ भुर्जी, एक बनाने बोला हूँ, बांगड़ा खा लेता हूँ, या तो फिर और भी बहुत सारे ऑप्शन है। ये दो मीठे पानी की मच्छी है, ये बांगड़ा कच्ची। तो यहाँ भाई बना रहे है भुर्जी चार अंडे की। अपने स्टॉल का नाम क्या है? काव्य स्नैक्स कॉर्नर। कौन सा? काव्य स्नैक्स कॉर्नर। ओके काव्य। माशाल्लाह जैसे ऐसा टाइम नजदीक आ रहा है, भूख लग रही है। और नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, सिर्फ मसाला बस। आहा भुर्जी तो रेडी हो गई, अभी बन रहा है बांगड़ा। देखो इधर मसाला लग रहा है, बस फ्राई होगा। ये झींगे बन रहे हैं, ये अपना ऑर्डर नहीं है, किसी और का ऑर्डर है। ये ऊपर रवा है क्या? क्या है वो? राइस का आटा है ऊपर, जो व्हाइट व्हाइट दिख रहा है आप लोग को। वहाँ हमारी भुर्जी रेडी हो रही है जी। चीज डाल लेना जी, चीज। ओके यस, चीज भुर्जी एंड भाकरी। वाह थैंक यू भाई। चलो अब इसमें क्या करते हैं, ये कुछ अलग रोटी है। काय की रोटी बोले? चावल की रोटी। चावल की। ये आ गई है फिश, बांगड़ा फिश है ना? यस बांगड़ा फिश। थैंक यू सो मच। और बहुत अच्छे से खूबसूरती के साथ प्रेजेंट किए इसको, ककड़ी वकड़ी के साथ। अच्छी बड़ी है, मेरे को लग रहा था छोटी रहेगी। एक मिनट फ्लैश ऑन करके दिखाता हूँ। हाँ हाँ, अब रियल समझ में आ रही है क्या है। भुर्जी तो फिनिश कर दी, सोने पे सुहागा, नींबू पे आ गया। नींबू बोलते कि लिंबू? दोनों बोलते हैं। गाने तो ऐसे निबोड़ा निबोड़ा निबोड़ा। क्या हालत कर दी है, इतनी खूबसूरती से लाए थे। ये देखो मछली की, लड़के ने छील लिया पूरा मछली को। लेकिन क्या खाए तुमने सफाई से भाई, मतलब तुम्हारी बीवी खुश हो जाएगी ऐसी मछली तुम छील के दे। होने वाली बीवी वही। क्या हंसी आ रही देख के। क्या खा के अभी अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी मम्मी को पिक करने आया हूँ, पीछे वेडिंग चल रही है, बस आते हो गए क्योंकि सुनसान रास्ता, उनको अकेले नहीं भेजना था। हाँ आ गए मम्मी। कैसी शादी थी? बहुत अच्छी थी, बहुत मजा आया माशाल्लाह। अपन थोड़ा रोड साइड, आपको थोड़ा जोर से बात करना पड़ेगा। हमें बहुत मजा आया, सब बहुत याद कर रहे थे तुझे और मुंदरी को भी याद सबको माशाल्लाह। चलो अल्लाह खुश रखे वो सबको इंशाल्लाह। खैर आफियत के साथ हो गया, खाए अच्छे से? मेरे लिए क्लिप्स लिए थोड़ा वीडियो शादी के। तो अभी हम लोग घर के लिए निकल रहे हैं, और आओ अभी जो मम्मी ने क्लिप्स लेके आए शादी के अंदर के, वो आप लोग से शेयर कर लेता हूँ। चलो आओ मम्मी बैठ जाओ आराम से। चलो मैं आप लोग को पीछे से थोड़ी कमेंट्री दे देता हूँ। ये क्लिप्स मम्मी ने मेरे लिए लिए है। ये फाउंटेन है जो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, और ये जो एंट्री पे डेकोरेशन रहता है बेहद खूबसूरत है, मुझे बहुत अच्छा लगा। और अब सबसे इम्पोर्टेंट टाइम आ गया है, दुल्हा दुल्हन की एंट्री। यहाँ पे बुशरा को कुछ फैंस मिल गए उसके, तो वो फोटोज क्लिक कर दिए। माशाल्लाह मेरी बहन बहुत प्यारी लग रही है, और इमरान भाई से भी मुलाकात हुई, माशाल्लाह वो भी बहुत हैंडसम लग रहे हैं आज। कोई कहेगा कि ये दूल्हे की माँ है, मैंने कहा चलो मैं ही बोल देती हूँ। तो ये दूल्हे की माँ है, ये दूल्हे की पुप्पी है। पुप्पी बराबर बोली ना? हाँ। सब लोग इतनी तारीफ कर रहे हैं, माशाल्लाह मेरे चेहरे पे वो खुशी ज्यादा है, उससे ज्यादा और खूबसूरती आ गई। ये लोग जितने खूबसूरत है, इनका नेचर भी वैसे ही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग आए बाजी और दुआ दिए मेरे बच्चों को, आप लोग बहुत अच्छा लगा। हमें भी बहुत।
बहुत अच्छा लगा खाना खा के, तो हमको अब है ना तकिया और बिस्तर चाहिए। नहीं तो जल्दी मत दो, पूरी शादी एंजॉय करो भाजी। अभी मम्मी आए हैं फ्रूट खाने। ये है पूरा फ्रूट काउंटर, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरती के साथ सजाया है और बहुत सारे ऑप्शन है फ्रूट्स के, जैसे पाइनएप्पल, वाटरमेलन, पपैया। जायशा देखो इधर आओ, फ्रूट। ओ हो, फ्रूट ही फ्रूट है। अभी मम्मी बैठे हैं खाना खाने के लिए, माशाल्लाह बहुत ही लजीज खाना लग रहा है। और ये पूरे फ्रेश वेजिटेबल्स जो कि मम्मी के फेवरेट है, और यहाँ पे चल रही है स्क्रीन। इतना अफसोस हुआ कि मैंने शादी मिस कर लिया, इतनी खूबसूरत शादी थी। मैंने क्लिप्स बाद में देखा, मेरे को इतना मजा आई, एंजॉय किया, मतलब काश मैं वहां होता। चलो खैर, माशाल्लाह अल्लाह बस सबको प्यार मोहब्बत के याद रखे, खैर आफियत के याद रखे। बहुत ही खूबसूरत शादी थी और माशाल्लाह इतने प्यारे लग रहे थे सब। कैसा है ना, इंसान का अगर दिल साफ है ना तो खुद ब खुद वो चेहरे पे आ जाता है, और इंसान का दिल काला है, तकब्बुर है, सोच खराब है तो कितना भी सज लो संवर लो, चेहरा खराब ही दिखेगा, नहीं आएगा वो वैसा चेहरे पे। वो चाम बोलते हैं ना, एक दिल के थ्रू आता है वरना नहीं आता है। आज कल दो से चार आदमी किसी को सलाम करते तो इंसान एकदम ऐसा तन के चलने लग जाता। अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरिश्ते सलाम करते थे फिर भी वो ऐसा झुक के चला करते थे। तकब्बुर ना करना अल्लाह को बेहद नहीं पसंद है, और सोच और नियत अच्छी है ना तो अल्लाह ताला तकदीर भी बदल देते हैं। खैर बहुत मजा आया, बहुत इंजॉय किया, वो क्लिप्स देख के थोड़ी सी थी लेकिन मजा आया। आई होप आप लोग को भी मजा आया होगा। अभी बस घर आ गया हूँ, थोड़ा फ्रेश होके आम वगैरह खाएंगे मम्मी और मैं, मून तो उसके घर पे ही है, तो बस थोड़ा बहुत फ्रेश होके खाएंगे, बेगे सो जाएंगे और इंशाल्लाह कल न्यू ब्लॉग के साथ सुबह आएंगे। तो प्लीज ये वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, दुआ में याद रखिए, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करिए, शहजान शेख कर दो जाके। और अभी बस सोने जा रहे हैं, और सोने से पहले सबको माफ कर देना, ठीक है, गुड नाइट।